स्वागत है आप सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पे। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हमारा भारतीय इतिहास का परिचय चैप्टर समाप्त हो चुका था इसके पहले वाले लेक्चर पे। उसमें हमने आपको करीब 16-17 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण कराए थे। उसके जो शेष क्वेश्चन हैं वह हम आज आपको कराने जा रहे हैं। तो आइए हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ क्वेश्चन बुलेट फॉर्म में हैं और एक क्वेश्चन जो आपका है वो मल्टीपल फॉर्म में है, एमसीक्यू के फॉर्म में है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है नेवासा जो आपका है वह महाराष्ट्र में है और यहाँ से हमको पटसन के साक्ष्य मिले हैं। किस चीज के? पटसन से वस्त्र बनाए जाते हैं, एक रेशे के तरीके से होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका इनाम गांव, यह महाराष्ट्र में पुणे जिले के पास है। यहाँ से मिट्टी वाले चूल्हे और बड़े बड़े मकान मिले हैं। धीरे धीरे जब इसकी खोज और आगे हुई तो इनाम गांव में एक 5 कमरों वाला घर प्राप्त हुआ। उस 5 कमरों में 4 कमरे बहुत बड़े बड़े आयताकार थे और जो 5वां कमरा था वह आपका वृत्ताकार या गोलाकार था। आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कायथा। कायथा जो आपका है मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास, वहां से तांबे के 28 कंगन मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कायथा आपका एमपी में है वहां के जो लोग थे वो अगर आभूषण बनाना जानते थे तभी तो वो कंगन बना पाएंगे। इसका मतलब वहां के लोगों को तांबे के बारे में भी जानकारी थी, साथ साथ आभूषण बनाने की कला थी। इसका मतलब वो लोग तांबा गलाना भी जानते थे और उससे आभूषण बनाना भी जानते थे। आइए इसी क्रम में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमने ट्रिपल स्टार दिया हुआ है, हम जब आपको भारतीय सभ्यता का परिचय बता रहे थे उसमें जब हम आपको कांस्य युग बता रहे थे उसमें हमने 2 स्थानों का जिक्र किया था। पहला जो हमारा स्थान था अहाड़, जो कि आपके क्वेश्चन में है। दूसरा इसी के साथ साथ में था गिलुंद। ये दोनों राजस्थान में पाए गए हैं, अहाड़ और गिलुंद। हमने आपको पहले ही बताया होगा कि अहाड़ के लोग तांबा धातु के बारे में जानकारी रखते थे, गेहूं जो मटर सरसों आदि के फसल के बारे में उन्हें जानकारी थी। प्रायः वो लोग आभूषण बनाना जानते थे, तांबे को गलाना जानते थे और उनकी अर्थव्यवस्था का जो आधार था वह तांबा था। तो आइए विकल्प में हम देखते हैं इसको कि ये किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इस क्वेश्चन के नेक्स्ट एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा चांस है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से देखिए। क्वेश्चन आपका है आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है इसकी पहचान करें। पहला, आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। दूसरा, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तीसरा, धातु का काम आहारवासी की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। चौथा जो आपका विकल्प है, यहाँ से काले लाल रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं जिस पर ज्यामितीय आकृति बनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आहार सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान थी ये कि आहार वासी जो थे वो तांबे के बारे में जानकारी रखते थे, वो तांबा गलाना जानते थे। दूसरा विकल्प था आपका, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तो इसके पहले ही हमने आपको बताया था कि ये लोग गेहूं जौ चावल मसूर आदि कुछ फसलों के बारे में इन लोगों को जानकारी थी, अर्थात दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो विकल्प में गलत है। तीसरा ये देखते हैं, धातु का काम आहारवासी की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। अगर ये धातुओं को गला रहे थे तो सीधी सी बात है अर्थव्यवस्था में उन धातुओं का उपयोग होता रहा होगा, उन धातुओं का कुछ जो है व्यापार भी होता रहा होगा, धातुओं से बनी कुछ कलाकृतियां होंगी, कुछ औजार होंगे जो बाहर के मार्केट में या बाहर के लोगों को बेच रहे होंगे, इसलिए यह इनकी धातु जो है तांबे की वो इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार थी। मतलब आपका तीसरा भी विकल्प सही है। चौथा विकल्प है, यहाँ से काले लाल रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं जिस पर ज्यामितीय आकृति बनी हुई है। तो ये हम आपको अपने चैप्टर में बता चुके हैं
आहाड़ और विलुंद से काले लाल रंग के जो बर्तन मिले थे उस पे आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा सफेद रंग की आकृति बना दी जाती थी। तो इन्हीं आड़ी तिरछी रेखाओं को हमने ज्यामितीय आकृति का नाम दे दिया, इसलिए आपका जो चौथा है वह भी सही है। तो आइए अब हम देखते हैं क्रम से कि ए बी सी और डी में से हमारा कौन सा सही है। इसको एलिमिनेट करने का एक तरीका होता है, जो भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो उनको हम कम समय में एलिमिनेट कैसे करें, उसका सबसे बड़ा अच्छा तरीका होता है कि आपको जो क्वेश्चन आ रहे हो उसको देखें और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हो उसको काटते जाएं। तो सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन जो आपका है कि ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत है क्योंकि ये लोग चावल से परिचित थे। अर्थात दूसरा विकल्प जहां जहां है वहां आप काट दीजिए। ए में है नहीं होगा, सी में है नहीं होगा, डी में है नहीं होगा। अर्थात जब आपके तीन विकल्प नहीं होंगे तो आपका बी विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा, अर्थात एक तीन और चार। अर्थात आपका बी विकल्प जो है वह सही है, एक तीन और चार। एलिमिनेट का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप इसका की ढूंढें, इसकी मास्टर की क्या, तो इसकी मास्टर की है विकल्प नंबर दो गलत है, विकल्प नंबर जो दो गलत है उसको आप काटते चले जाइए, और वो विकल्प बी में है जो विकल्प दो नहीं है, इसलिए आपका विकल्प दो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर और दक्षिण दिशा में लिटा कर रखते थे। ये अभी भी हमारे हिंदू परंपरा में है कि अभी भी शवाधान को उत्तर और दक्षिण ही लिटाया जाता है दाह संस्कार से पहले। वो लोग दाह संस्कार नहीं करते थे, घर के फर्श के नीचे दफना देते थे। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें छह क्वेश्चन एक साथ में है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। ये कभी भी मिलान में भी आपका आ सकता है। दूसरी चीज मिलान के बाद हो सकता है ये आ जाए कि ये स्थल कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है। तो आइए इसको हम जानते हैं। पहला जो आपका है वह है बुर्ज होम, और ये जो बुर्ज होम है वह आपका जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से जो आपको शास्त्र प्राप्त हुए, तो जब हम आपको पढ़ा रहे थे प्रागैतिहासिक काल, तो वहां पे हम आपको बता रहे थे कि जो बुर्ज होम आपका है वह जम्मू कश्मीर में है। अब यहाँ से गर्द आवास मिले हैं, अर्थात यहाँ गड्ढे में लोग, जमीन से थोड़ा सा नीचे गड्ढे में लोग घर बनाकर रहते थे। कुम्हार के जाग मिले हैं और कुम्हार बस्ती के भी प्रमाण मिले हैं। आइए दूसरा देखते हैं चंद्रकेतु। चंद्रकेतु जो आपका है वह पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में विद्याधर नदी के तट पर है। और यहाँ की जो सबसे बड़ी खासियत थी कि ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ टेराकोटा कलाकृति पाई गई। तो आइए जानते हैं टेराकोटा क्या है। टेराकोटा का मतलब होता है पकी पकाई लाल रंग की मिट्टियां, अर्थात वो मिट्टियां जो पकाने के बाद लाल हो जाती है उन्हें हम टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा कलाकृति अर्थात इन मिट्टियों के द्वारा, इन लाल मिट्टियों के द्वारा छोटे छोटे खिलौने, छोटे छोटे मिट्टी के आभूषण या छोटे छोटी वस्तुएं बना दी जाती थी। तीसरा जो आपका है गणेश्वर राजस्थान। ध्यान रखिएगा कि जब भी राजस्थान का जिक्र हो स्टेट में, तो सबसे पहले अगर कहीं भी तांबा आपका ऑप्शन है तो तांबा मारिएगा। तो गणेश्वर आपका राजस्थान में है और वहां ताम्र कलाकृति पाई गई, अर्थात तांबे के छोटे छोटे खिलौने हैं, औजार हैं, वस्तुएं बनाई जाती थी। चौथा है पदवरम, ये मद्रास में पाया जाता है। यहाँ हैंड एक्स संस्कृति बनाई गई, हाथ के छोटे छोटे औजार हाथ द्वारा निर्मित वो बनाए गए। आतिरपक्कम ये भी मद्रास में है, यहाँ भी हैंड एक्स संस्कृति थी। बदमदुरे ये भी मद्रास में है और यहाँ भी हैंड एक्स संस्कृति के साक्ष्य पाए गए। तो आइए फटाफट इसको हम रिविजन करते हैं। बुर्ज होम जो आपका जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से गर्त आवास, कुम्हार की बस्ती और कुम्हार के चक पाए गए हैं। चंद्रकेतु जो आपका पश्चिम बंगाल में है, विद्याधर नदी पर है, यहाँ पर टेराकोटा की कलाकृतियां पाई गई हैं। गणेश्वर जो आपका राजस्थान में है, यहाँ से आपके तांबे की कलाकृतियां पाई गई हैं। पल्लवरम आपका मद्रास में है, यहाँ पे हैंड एक्स कल्चर, हैंड एक्स संस्कृति के साक्ष मिले हैं। अतिरम्पक्कम ये भी आपका मद्रास में है, यहाँ से भी हैंड एक्स कल्चर के साक्ष मिले हैं। छठा जो आपका है बदमदुरे, यह भी मद्रास में है, यहाँ से भी हैंड एक्स कल्चर के साक्ष प्राप्त हुए हैं। चलिए अब इन्हीं बहुविकल्पीय क्वेश्चनों के साथ
भारतीय इतिहास का परिचय आपका कंप्लीट खत्म होता है, अर्थात चैप्टर नंबर दूसरा भारतीय इतिहास का परिचय महत्वपूर्ण विकल्पों के साथ, बहुविकल्पीय क्वेश्चनों के साथ साथ में चैप्टर की डिटेल भी पढ़ाई गई है। इसलिए पुराने लेक्चर को रिवाइज करिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। साथ साथ में आप लोग के लिए मैं सबसे अच्छी बुक बता दे रहा हूँ कि TMH पब्लिकेशन की एक कंबाइंड बुक आती है, जो बहुत पहले आपकी एक बुक आती थी कंबाइंड, बहुत पहले यूनिक आती थी, उसी के तरीके से TMH पब्लिकेशन की आपकी कंबाइंड आती है। आप उसको पुरानी वाली को ले लीजिए, उसको बाय पार्ट बाइंडिंग करवा लीजिएगा, वो बहुत अच्छी बुक है। लेकिन अगर हो सके मार्केट में तो पुरानी वाली लीजिएगा, उसके सारे सेक्शन, यहाँ तक कि यूपी के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो PCS हो, अदर स्टेट का PCS हो, यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज के लिए भी, GS के लिए वो काफ़ी वैल्यूएबल है। तो आइए, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, इसी के साथ में आपका क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ, आप इसको रिविजन करिएगा। हमारा चैनल जो आपका स्टडी विद टाइगर है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना